अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जुम्मा है, आज हम बनाएंगे दालचा चिकन का। आइए बताती हूँ कैसे बनाते हैं, आप भी ज़रूर बनाएं। इसके लिए मैंने 2 कप तुअर की दाल ली हूँ। अब बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने ये दाल भिगोई हूँ, 10 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच और 2 चम्मच हल्दी। हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालना है अपने को, बस। और इसको हिला के अब हम इसको चढ़ा देंगे। अब इसे हम 3 सीटी ले लेंगे। 1 किलो चिकन ली हूँ मैंने, इसे धोकर पानी में भिगने रखी हूँ। और ये 1/2 किलो कद्दू मैंने कटिंग करके रखी है, फिर बाकी मसाले हम तैयार करेंगे। गरम तो है दो मसाला, शाहजीरा, लौंग, दालचीनी, बादाम पिल और 1 इलायची। ये हल्दी 2 चम्मच ली हूँ मैंने और डबल से। धनिया की बुक्की, लाल मिर्ची, 1 प्याज और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, 7-8 टमाटर। तेल गरम हो गया है और इसमें हम डालेंगे 1 प्याज छोटी सी। इसे हम लाल होने देंगे, प्याज लाल हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर में डालेंगे 1 चम्मच नमक ताकि टमाटर ये पिघल जाए, नरम हो जाए। ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हम ये सब मसाले डालेंगे। क्या हुआ? और ये मिर्ची और अदरक लहसुन है। और ये दूध ही डालेंगे हम इसमें साथ में गलने के लिए। ये इसको अब थोड़ा ढक के रख देंगे हम लोग 10 मिनट ताकि कद्दू गल जाए। ये कद्दू है ना गल गए, और इसमें हम छोड़ेंगे चिकन। ये चिकन और कद्दू गल गया है, अब इसमें हम डालेंगे दाल। देखिए अब इसे थोड़ा 10 मिनट हम लोग पकाएंगे। थोड़ा इमली का पानी डालेंगे। आइए हम देखते हैं दाल तैयार हो गया है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना दालचे में से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर और ये इमली का पानी। अब ये दालचा हो गया रेडी। ये दालचा तैयार हो गया है। जुम्मा स्पेशल है और आप हर जुम्मा को बनाइए, इससे घर की परेशानी भी दूर होती है। और आप ज़रूर बनाइए और खाइए, और इसका मुझे बताइए और लाइक कीजिए।